एक आदमी पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस से कहा कि वह मुझे दूध नहीं दे रही है। पुलिस ने पूछा कौन, तो वह बोला मेरी भैंस। यह सुनते ही पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि ऐसा कभी कोई मामला थाने में आया ही नहीं था। थाने में पहुंचा शख्स एक आवेदन भी लेकर आया था। आवेदन TI की ओर आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि यह मुझे दूध नहीं निकालने दे रही है, आप कार्रवाई करो। मामला भिंड के नया गांव थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने शिकायत लेकर कहा है कि अब हम इसकी जांच करेंगे। जी, ये थाना नया गांव का मामला है। ये दोपहर में पहले एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है छोटे लाल जाटव और जिनकी उम्र 45 साल, नया गांव के ही निवासी हैं। पहले थाना प्रभारी के समक्ष पेश हुए थे। इन्होंने बताया कि इनकी भैंस दूध दुहाने नहीं दे रही है, मतलब दूध निकालने नहीं दे रही है, ऐसा इन्होंने शिकायत किया। फिर बाद में लगभग 3-4 घंटे के बाद ये पुनः थाने पे आते हैं और भैंस लेकर के ही आ गए और भैंस थाने के बाहर इन्होंने बांध दिया। इससे थाना प्रभारी ने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि मेरी भैंस दुहाने नहीं दे रही है, मुझे आपसे मदद चाहिए ही चाहिए। फिर थाना प्रभारी ने उनसे जब बात की तो पता चला कि ऐसी, हालांकि उनकी बातों से लग नहीं रहा था कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, मासूम जरूर लग रहे थे। और उनसे बातों में ये चीजें सामने आई कि लगभग 1 महीने पहले उन्होंने भैंस खरीदी थी। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन सीमित होते हैं और ये इसकी वजह से परेशान रहे होंगे, और गांव में माहौल रहता है कि तांत्रिक वगैरह टोटका वगैरह का माहौल, तो लोगों ने उनको बताया हुआ है आप थाने में जाइए, आपको थाने में मदद मिलेगी। ठीक है, लोगों की पुलिस की अपेक्षाएं हैं, उसका सम्मान करते हैं। उनको फिलहाल समझा बुझा करके भेज दिया गया है। फिर भी अगर इनसे हम जो भी मदद कर सकते हैं पूरी कोशिश होगी, मदद करेंगे इनकी। उनको समझा बुझा करके इन्हीं बातों पर भेज दिया गया है, हालांकि वो फिर भी पुलिस से उनको मदद चाहिए, उनकी अपेक्षा है। मैंने जैसा कि पहले कहा, उनका हम उनकी अपेक्षाओं का सम्मान करते हैं। फिर भी अगर वो आते हैं और मदद मांगते हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं देखते हैं, उनसे कोशिश करेंगे उनको संतुष्ट करने की हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो पुलिस की कार्रवाई से जो कुछ भी हम कर सकते हैं संतुष्ट होंगे।